डियर स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग टू एडी सोलूशंस एंड थ्रू दिसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देशन स्किल्स विच यू नीड टू कीप यू आर गोइंग टू अटेपेंसी पेपर ये स्किल्स आपके लिए कितनी जरूरी है ये जब हम टिप्स आपको शेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा के जाने अनजाने में आप कई सारी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप जो मार्क्स डिजर्व करते हैं लेकिन फिर भी वो आपको मार्क्स नहीं मिल पाते चलिए फिर आप शुरू करते हैं कि वो सब टिप्स क्या हैं जो आपके लिए जाननी जरूरी है सबसे पहली बात हमेशा क्वेश्चन को किसी भी क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना हो तो उसको रिवर्स से स्टार्ट कीजिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि एग्जैक्टली उससे क्या उसमें क्या पूछा गया है इससे एक तो आपका समय काफी बचेगा आपको यह मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly आपको करना क्या है कई बार ऐसा देखा गया है जैसे कि अगर बात करें कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है और क्वेश्चन में लास्ट में पूछे गया कि जनरल एंट्रीज बनानी है लेकिन बच्चों ने बाय बाय कर लिया क्वेश्चन को पढ़े बगैर ही कि उसमें फ़ॉर्म बनाना है कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है ऐसा करने से उनके पूरे आठ नंबर को उनको नुकसान हो गया इसलिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े दूसरी बात कि जब एग्जाम डेज चल रहे हो उन दिनों में अगर जब रिवीजन करनी हो तो हमेशा जो कंपनी जो सोल्ड क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को करना चाहिए क्योंकि जो आप कंपनी नेचर के सोल्ड इलेस्ट्रेशन जो करते हैं उसको करने से क्या होता है कि उन इलेट्रेशन के अंदर ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं और आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती है तो इसके लिए आप अपने जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे ये इंक्वायर करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इलें हैं जो आपको एग्जाम से पहले जो भी आपके प्रिपेटरी होल्डर्स होते हैं उनमें आप उनको अच्छी तरीके से समझ सकें नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं पिछले सालों के पेपर्स की अच्छी तरीके से स्टडी करें तीन से चार सालों के पेपर की स्टडी करें जिसके लिए कई बार बुक्स के एंड में कुछ स्कैनर दिया होता है वो स्कैनर में क्या होता है पिछले सालों के क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं विद कंप्लीट सॉल्यूशन आप उन इलस्ट्रेशंस को आप उन क्वेश्चंस को जरूर करें उन क्वेश्चन करने से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह क्वेश्चंस आते हैं किस तरह लेवल होता है किस तरह मेथड्स होते हैं किस तरह से आंसर को प्रेजेंट करना है और किस लेवल की आपकी तैयारी है तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इंक्लूडिंग पेपर आप अच्छे से रटर्न करने में कामयाब हो जाते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाता है एग्जाम के दिनों में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और लेंथी क्वेश्चन नहीं करने चाहिए क्योंकि इन क्वेश्चन करने से हो सकता है एक तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं और दूसरा ऐसे लंबे लंबे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करने में आपका कीमती समय बर्बाद हो सकता है जो हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी वो पूरी तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बेस्ड है अकाउंटेंसी में थ्योरी के अलावा कुछ भी क्राइम करने की जरूरत नहीं होती है और अगर आप क्राइम करते हैं तो इसका मतलब आपने अपने कंसेप्ट को समझने में कहीं ना कहीं कमी छोड़ी है तो जब तक कि आपको कंसेप्ट समझ ना आए तब तक जो है उस क्वेश्चन को या उस चैप्टर को आप ये मत मान के चलें कि आपको वो चैप्टर अच्छी तरीके से आता है आप अपने आप से क्वेश्चन जरूर किया करें कि आपको पार्ट टू ट्रांजेक्शन क्यों करनी पड़ रही है एंट्री क्यों करनी पड़ रही है इसकी पोस्टिंग किस तरीके से पोस्ट होने चाहिए तो इससे जब सब सेल्फ क्वेश्चनिंग आप करेंगे आपके पास कोई आंसर आ जाता है तो ठीक है नहीं तो आपने टीचर डिस्कस करके अपने कंसेप्ट को मजबूत जरूर कीजिए नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट का सिंपल सा नॉर्मली एक फार्मूला होता है कि जितना भी मार्क्स क्वेश्चन है आप उसका डबल कर लें तो उसके बाद जो है आपके पास टाइम का लोकेशन आ जाता है लेकिन कुछ रैशनल तरीके से मैंने कुछ कैलकुलेशन की हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी आपका पेपर है ट्वेंटी के अंदर अब, अब जो आने वाला है उसके हिसाब से आपको अपना टाइम कैसे एलोकेट करना चाहिए कि आपके पास 15 से 20 मिनट रिवीजन के लिए बच जाए तो आपको ये मालूम है कि आपके पास जो क्वेश्चन जो आने हैं वो वन मार्कर थ्री मार्कर फोर मार्कर सिक्स मार्कर एंड एट मार्कर के क्वेश्चन आने हैं अगर हम नंबर की बात करें तो आपके पास जो है ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे वन मार्कर थ्री क्वेश्चन होंगे आपके टू क्वेश्चन थ्री मार्कर के फाइव क्वेश्चन फोर मार्कर के थ्री क्वेश्चन सिक्स मार्कर के एंड टू क्वेश्चन एट मार्कर के होंगे इस तरह से आपको टोटल नंबर क्वेश्चन होंगे थर्टी टू तो अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स ट्वेंटी इंटू वन ट्वेंटी मार्क्स थ्री इंटू टू सिक्स फोर इंटू फाइव ट्वेंटी अगर हम कुछ साइंटिफिक तरीके से टाइम एलोकेशन की बात करें एक क्वेश्चन में अगर आपका एक नंबर क्वेश्चन आगे आप उसमें एक मिनट लगाते हैं तो आपके ट्वेंटी मिनट्स आपके उसमें लगने चाहिए थ्री मार्क्स क्वेश्चन में आपको सिक्स मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए तो इस हिसाब से आपके जो है दो क्वेश्चन इंटू ट्वेंटी सिक्स करे ट्वेल्व मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए ऐसे ही जो है आपका जो फोर मार्क क्वेश्चन है उसको एक क्वेश्चन को अटेंड करने में मेंस मिनट लगने चाहिए तो आपके पांच क्वेश्चन करने में आपको पचास मिनट लगने चाहिए ऐसे ही आपके सिक्स मार्क क्वेश्चन हैं एक सिक्स मार्क क्वेश्चन अटेंड करने में पंद्रह मिनट लगने चाहिए तो तीन क्वेश्चन अटेंड करने में फोर्टी फाइव मिनट ऐसे ही आपके जो एट नंबर क्वेश्चन है अगर ऑन एवरेज अगर ट्वेंटी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपके चालीस मिनट लगने चाहिए समझ टोटल मार्क्स को हम सम करें तो ये अप्रोक्सीमेटली वन सिक्सटी फाइव मिनट्स बन जाता है इसका मतलब इसके बाद जो है आपके पास पंद्रह मिनट ऑन एंड एवरेज डिविजन के लिए बच जाते हैं जो कि आपके लिए जरूरी भी है अगली बात आती है आपके प्रेजेंटेशन की आपका प्रेजेंटेशन जो है बहुत मैटर करता है हमेशा किसी पेपर की अगर बात करें आपका प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है आप अपने प्रेजेंटेशन से आप अपने पेपर चेकर को इम्प्रेस करें तो इसके लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जिन क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है बहुत कॉन्फिडेंट है टेन ओ आपके पास आंसर शीट आ जाती है उसको फिल करना होता है टेन फिफ्टीन आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है जब टेन फिफ्टीन क्वेश्चन पेपर आ जाता है उसमें से कुछ क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन आप बड़े कंफर्टेबली कर सकते हैं उनको पेंसिल से मार्क कर लीजिए या माइंड में रख लीजिए और परमिशन लीजिए पेंसिल से मार्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चंस को मार्क करके या आप माइंड में क्वेश्चन को रख के जैसे टेन थर्टी आपको पेपर सॉल्व करने की परमिशन मिलती है उस समय सबसे पहले चाहे लॉन्ग क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन हो सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेंड कीजिए जिसमें आप अच्छा तरह से कंफर्टेबल हैं नहीं आता हो तो सफिशियंट स्पेस छोड़ दें और जब पूरा पेपर आपका हो जाए तो उसके बाद उस क्वेश्चन में वापस आइए और उस क्वेश्चन को आप attempt कीजिए तो अलग एक क्वेश्चन के अलग अलग parts को अलग अलग जगह पे नहीं करना चाहिए हमेशा सारे parts को एक ही जगह पे करना चाहिए अदरवाइज पेपर चेकर्स को चेकिंग करने में और मार्क्स एलोकेट करने में देने में बहुत दिक्कत होती है इंप्रेस योर पेपर चेकर विद बेस्ट प्रेजेंटेशन और ये बात आपको पहले क्लास से पॉइंट रिपीट हो गया है अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन टुगेदर यूज ऑफ फॉर्मेट्स अब इस साल जो है सीबीएसई एक नई एक इनिशिएटिव लेके आ रही है जिसके अंदर आपके पास कुछ होंगी. के pages 17 से लेके 24 तक उसके अंदर आपके फॉर्मेट बने होंगे तो इन पेजेस के ऊपर जहां भी क्वेश्चन आपके जर्नल के हैं जैसे आपको रियलाइज के एंट्री पास करनी है या आपको शेयर कैपिटल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो पेजेस सेवनटीन से लेकर ट्वेंटी फोर तक आप इस्तेमाल कीजिए लेकिन जहां आपको आ, कर लीजिए आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन अटेंड करना जिसके अंदर आपको रिवेल्यूशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट बनानी है तो उसके लिए पेजेस नंबर आपका ट्वेंटी फाइव से थर्टी टू का इस्तेमाल कीजिए लेकिन इन केस अगर आपको फ्लो स्टेटमेंट बनानी है या कोई एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको जर्नल और लेजर दोनों ही बनाने पड़ जाएं तो उनके लिए क्या आप करें आप जो है जो आपकी नॉर्मल शीट्स हैं विदाउट एनी फॉर्मेट्स आप उनको इस्तेमाल करें तो इस तरीके से आप फॉर्मेट्स को भी इस्तेमाल करें ताकि आपके लाइन ड्रॉ करने का समय बच जाए और जहां आपको इन फॉर्मेट्स को जहां आप यूज नहीं कर पाएंगे उसका तरीका मैंने बता दिया तो उधर जो है आप क्या करें फॉर्मेट्स को ड्रॉ करने के लिए आप पेंसिल का ही इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा

जब आप पार्टनरशिप क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर आपको account, बनानी है। तो इन करने के लिए मैं अपने बच्चों को लेकर चलता हूं जैसे आपके पास बैलेंस शीट दी हुई है बैलेंस शीट के साथ आपको एडजस्टमेंट दी हुई है सबसे पहले आप क्या करें जितनी भी एडजस्टमेंट है लाइब्रेटरी को उनको टिक कर लीजिए टिक करने के बाद आप लाइब्रेटरी के फर्स्ट आइटम से स्टार्ट कीजिए साथ साथ में आप एडजस्टमेंट लेते जाइए और एसेट्स फिर उसके बाद लीजिए फिर एसेट्स के लास्ट आइटम पे आ जाइए और उसके बाद जो है कोई अगर एडजस्टमेंट बच जाती है तो उसको देखिए एंड देन लास्ट के अंदर जो है आप क्या करें लास्ट के अंदर जो है आपका एक रिवोल्यूशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट स्टेप बाय स्टेप बंद हो गई तो करना क्या है कि जब भी आप बैलेंस शीट से कोई भी आइटम पिक करेंगे उनका एक सिंगल इफेक्ट होगा लेकिन जब भी आप बैलेंस के बाहर से अमाउंट को पिक करेंगे उसके दो इफेक्ट्स होंगे तो ये ध्यान रखते हुए कि जो जो आप एडजस्टमेंट उठाती हैं मान लीजिए इसका इफ, आपके प्लांट की वैल्यू अगर कम हो रही है तो आपने उसको क्या किया रिवोल्यूशन के डेबिट में दिखा रिवोल्यूशन डेबिट टू इन प्लांट अकाउंट और इमीडिएटली आपने आपनेट्स के अंदर आपने प्लांट की वैल्यू को रिड्यूस करके दिखाना है इस तरीके से जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी उनके आपने डबल इफेक्ट दिखाने हैं हैंड टू हैंड आप उन अमाउंट्स को उनके रिस्पेक्टिव प्लेस पे दिखाते जाइए इस तरीके से लास्ट में जो है आपकी ना तो कोई अमाउंट छूटेगी और ना ही कोई एंट्री छूटेगी इस तरीके से लास्ट में आपके मतलब मिलने के पूरे चांसेस बन जाते हैं और ये क्वेश्चन कैसे करते हैं के डबल फैट कैसे दिखाया जाए सारे अकाउंट्स से कैसे बनाया जाए इसके लिए मुझे कोई न कोई प्रैक्टिकल कुछ न कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा कई बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं मैंने अपने 15 साल के स्कूल टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर जो मैं पेपर जब चेक किया करता था मैं कभी देखता था कि कुछ बच्चे जो है काफी कमजोर होते थे और कुछ काफी ब्रिलियंट भी, भी होते हैं यह हमेशा हर जगह ऐसा होता है तो कई बार वीक स्टूडेंट जो होते हैं बैलेंस शीट को एक लेजर की तरह एक अकाउंट की तरह जो है कर लेते हैं जिसके अंदर जो है लाइब्रिटी साइड के अंदर वो क्रेडिट लिख देते हैं और साइड में वो डेबिट लिख देते हैं जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है इसके अलावा कई बार मैंने ये देखा है कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं जो जो पास होने में भी इनकी बड़ी मुश्किल हो जाती है वो स्टूडेंट क्या कई बार बैलेंस में टू और बाय लिख देते हैं इसलिए डेबिट क्रेडिट लिखना या टू और बाय लिखना ये दोनों ही बिल्कुल तरीके से गलत है इनके नंबर कटने के चांसेस पूरे बन जाते हैं तो इसलिए कि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है या अकाउंट नहीं है इसलिए इसमें डेबिट क्रेडिट या फिर टू और बाय बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा अगर आप फुल लेंथ क्वेश्चन कर रहे हैं और आपकी बैलेंस शीट अगर टैली नहीं होती है तो उस केस में क्या करें कई बार स्टूडेंट्स को मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो बैलेंस शीट टैली करने के लिए क्या करते हैं जब उनके शीट टैली नहीं करते हैं तो दोनों साइड पे सेम अमाउंट लिख के छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि टीचर जो है दोनों साइड टोटल लिखा देख बराबर देख के मार्क्स दे देगा लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता टीचर के पास पहले से ही मार्किंग स्कीम होती है वो अपनी मार्किंग स्कीम के हिसाब से चलता है और मार्किंग स्कीम से थोड़ा वेरिएशन भी हो जाता है तो आपके ट्रांसफर को देखता है आपके ट्रीटमेंट को देखता है अगर आपका ट्रीटमेंट ठीक होता है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं इसलिए अगर आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो पहले सबसे पहले आप काम कीजिए बैलेंस शीट की अमाउंट का डिफरेंस देखिए कितना है वो डिफरेंस की जो अमाउंट है पूरे क्वेश्चन में चेक कीजिए कहां पर है और देखिए उसका इफेक्ट आपने बिल्कुल सही तरीके से दिखाया था या नहीं दिखाया था उसके बाद अगर फिर भी वो अमाउंट आपको नहीं मिलती है तो जितना डिफरेंस निकल रहा है उसका अमाउंट डबल कर लीजिए या उसका हाफ कर लीजिए और फिर दोबारा से अमाउंट को ढूंढने की कोशिश कीजिए इतना करने के बाद भी अगर आपके आपको डिफरेंस आपको नहीं मालूम पड़ता तो को है आगे बढ़ जाइए और लास्ट में जब पेपर पूरा हो जाए द रीजन फॉर डिफरेंस डबल इफेक्ट हमेशा अभी जो मैंने बात की है क्या हमेशा जो भी बैलेंस अमाउंट पे करते हैं उनका सिंगल इफेक्ट एडेस्टमेंट का डबल इफेक्ट और कोई बैलेंस भी अगर निकलती है या कोई आप आइटम पर्सन से निकालते हैं हमेशा उनके डबल इफेक्ट सिर्फ इसका मतलब हुआ कि जब बैलेंस शीट से आप आइटम उठाते हैं उनका सिंगल इफेक्ट होता है इसके अलावा जितनी अमाउंट लेते हैं कंसिडर करते हैं उनके हमेशा डबल इफेक्ट होते हैं इसलिए डबल इफेक्ट दिखाना कभी मत पूरी हमेशा ये देखिए एक अमाउंट दो जगह पे आपके हिसाब से अपील हो रही है या नहीं हो रही है स्टेप मार्किंग अकाउंटेंसी के अंदर स्टेप मार्किंग होती है इसलिए जैसे आपका रिवर्ल अकाउंट है कैपिटल अकाउंट है बैलेंस शीट तो रिवल्यूशन अकाउंट के मार्क्स अलग होंगे कैपिटल अकाउंट से मार्क्स अलग होंगे और बैलेंस शीट के मार्क्स अलग होंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका अकाउंट गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन गलत माना जाएगा ये बाकी सिलेट तो कुछ एक में हो सकता है बाकी लेकिन अकाउंटेंसी में ऐसा नहीं है आगे अकाउंट्स के अंदर टू और बाय लिखना मैंडेटरी नहीं है ये कई साल पहले एनसीआरटी में इसके बारे में पहले से क्लियरिटी आ चुकी थी इसलिए अगर आपकी मर्जी है अगर टू और बाय लिखना चाहते हैं तो पूरे पेपर में लिखिए अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर आप पूरे पेपर में मत लिखिए बाकी ऐसा भी नहीं कि कुछ क्वेश्चन टू और बाय यूज करें कुछ क्वेश्चन टू और यूज़ ना करें वो इंप्रेशन अच्छा नहीं देता लीव वन इंच मार्जिन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ योर आंसर शीट्स नॉर्मली आपके जो पे शीट होती है उसके लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी प्रिंटेड मार्जिन होता है राइट साइड प्रिंटेड मार्जिन आप ड्रॉ कर लें इससे आपको अपने प्रेजेंटेशन दिखाने में पेपर चेकर को मार्क्स देने में आसानी होती है तो पेपर चेकर जो होता है जो आपके पार्ट्स होते हैं उनके मार्क्स राइट साइड पे लिखता है और उन्हीं का तो टोटल लेफ्ट साइड में सर्कल करके बाद में मेन शीट पर कैरी फॉरवर्ड कर देता है इसलिए आपके लिए भी आसानी होती है और पेपर चेकर के लिए भी आसानी होती है जब आप राइट साइड पे मार्क्स का मार्जिन मार्जिन uh, छोड़ देते हैं रफ वर्क जो है रफ वर्क आपको शीट के लास्ट में ही करना चाहिए क्योंकि देखा गया है कि जब बच्चे मेन आंसर के साथ साथ रफ वर्क करते हैं तो उनका प्रेजेंटेशन काफी अनटाइडी सा हो जाता है वो अनटाइडी प्रेजेंटेशन जो है पेपर चेकर को अच्छा नहीं लगता इसलिए आपने अपने पेपर चेकर को इम्प्रेस करना है तो जितना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन आप रख सकते हो उतना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन रखिए इसलिए रफ वर्क को लास्ट में ही रखिए

जो आपका सोल्यूशन उसके बाद कीजिए लेकिन कैलकुलेशन को ब्रीफ टू ब्रीफ रखिए क्योंकि हर कैलकुलेशन के मार्क्स नहीं होते हैं तो नॉर्मली ये देखा गया है कि जो शेयर कैपिटल के क्वेश्चन कैपिटलेशन होते हैं आपका है, आप होती है, उसके मार्क्स नहीं, नहीं होते हैं सिर्फ एंट्रीज के ही मार्क्स होते हैं तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप पिछले चार तीन से चार साल के पेपर को अटेम्प्ट कीजिए तो इसके अलावा मैं जो कहूंगा कि आप बोर्ड के क्वेश्चन पेपर और बोर्ड की मार्किंग स्कीम को अटेम्प्ट करें तो उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि बोर्ड जो है मार्किंग सिंग कैसे बनाता है और किस तरीके से मार्क्स एलोकेट करता है या अवार्ड करता है इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा और आपको मालूम पड़ेगा कि आप क्या गलती करते थे उन गलतियों से आप कैसे बच भी सकते हैं प्रेजेंटेशन मैटर करता है इसमें कोई दो राय नहीं इसलिए एरर्स को ओवरराइटिंग को मिस्टेक्स को हमेशा अवॉइड कीजिए कई बार कुछ वीक स्टूडेंट्स को हमने देखा है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर के क्वेश्चन अगर नहीं आता तो फॉर्मेट ड्रा करके छोड़ देते हैं तो ये बड़ी silly बात हो जाती है फॉर्मेट के मार्क्स कभी भी नहीं मिलते हैं हाँ फॉर्मेट्स में आपको आंसर जो लिखने चाहिए लेकिन सिर्फ फॉर्मेट ड्रा करके आ जाएं और आप मार्क्स एक्सपेक्ट करें ये कभी भी ऐसा नहीं होता हर आंसर के बाद दो लाइन छोड़ दें दो लाइन छोड़ने से क्या होता है एक तो आपका आंसर दो से विजिबल हो जाता है और दूसरा जो होता है आपकी नीटनेस बढ़ती है और तीसरा जो होता है अगर आपने कुछ करेक्शंस करनी हो तो करेक्शन करने के लिए भी आपके पास को कुछ ना कुछ स्कोप मिल जाता है जितने भी आपके वन मार्क क्वेश्चन है जिसमें आपके पास मान लीजिए चार ऑप्शन है तो आप ऑप्शन आंसर लिखते हैं तो साथ में ऑप्शन ए बी सी डी भी जरूर लिखें इससे पेपर चेकर को अनमार्किंग देखने की जरूरत तो नहीं पड़ती है क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है इसलिए उसका टाइम आपके पेपर चेक करने में कम से कम लगेगा और जितना पेपर चेकर का आपके आंसर चेक करने में कम लगेगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद है हैंड राइटिंग आप हमेशा कोशिश रखिए कि आपके हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन हो और अपने हमेशा धीरे धीरे लिखने प्रैक्टिस किया करें स्पीड कहीं नहीं जाती है स्पीड वहीं के वहीं बरकरार रहती है तो कोशिश ये करें कि आपकी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन हो आपका प्रेजेंटेशन अच्छा हो जब बैलेंस शीट आप जब बनाते हैं उसके अंदर हमेशा एज एट लिखा जाता है उसे हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं जस्ट लाइक कि 31 मार्च को अगर आप बैलेंस बना रहे हैं तो ये मांग के चलते हैं इकतीस मार्च ट्वेल्व ओ क्लॉक नाइट पे वो बैलेंस क्लोज हो गई तो ट्वेल्व ओ क्लॉक के बाद ट्वेल्व ट्वेल्व से लेके वन ट्वेल्व के बाद जितना भी टाइम होगा ट्वेल्व ए एम होगा तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में चला जाता है इसलिए बैलेंस शीट में हमेशा एज इट लिखा एट फॉर द ईयर एंड नहीं लिखा था जबकि ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमेशा फॉर द ईयर एंडेड लिखा जाता है तो ये भी आप बात ध्यान रखें तो, जब for the end बोला है, तो पूरे साल का होता है जबकि एज एट जब लिखा जाता है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है आपके जो आंसर जैसे like मैं रेशन लिस्ट की बात करूं रेशन लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो फॉर्मुला लिखें और अगर आप उनके कॉम्पोनेंट्स निकाल रहे हैं तो उन कॉम्पोनेंट्स को बॉक्सेस में रखें और जो फाइनल आंसर है उसको भी आप बॉक्स में डालें इससे क्या होगा पेपर चेकर को आपको पूरा आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके फाइनल आउटकम्स हैं उन्हीं को देख के जो है वो आइडिया लग जाएगा और आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होंगे इसके अलावा जब आप फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूला के भी कई बार मार्क्स होते हैं कोशिश करें कि कोई भी क्वेश्चन आप ना छोड़ें जितना भी क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना आता है उतना जरूर अटेम्प्ट करें एक बात और कि अगर आपने इनकम्प्लीट एंट्री लिखी है या एंट्री करेक्ट है लेकिन उसमें अमाउंट गलत है या एंट्री ठीक है लेकिन आपने कोई गलत अकाउंट लिख लिया है या एंट्री गलत है लेकिन अमाउंट ठीक है तो ऐसे केसेस के अंदर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं इसका मतलब मार्क्स मिलने का कारण क्या हो सकता है मार्क्स आपको एंट्री में तभी मिलेंगे जब आपकी एंट्री ठीक हो किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है वो ठीक हो अकाउंट्स ठीक हो और अमाउंट्स भी ठीक हो और उसके साथ ब्रीफ टू ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना भी बहुत जरूरी होता है इसके अलावा कई बार ये भी हो सकता है कि आपके आंसर जो हैं कुछ अपडेटेड इंफॉर्मेशन के हिसाब से हो या आप की एजम्शन कुछ और हो और बाकी बच्चों के एजम्शन कुछ और हो तो कई बार क्या होता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वेरी कर सकते हैं या कई बार बच्चों के पास अपडेट नॉलेज हो सकती है इनोवेटिव तरीके से आंसर लिख सकते हैं तो ये सीबीएसई मार्किंग स्कीम के अंदर पेपर चेकर्स को ये इंस्ट्रक्शन होती हैं कि अगर बच्चों ने अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर डिफरेंट तरीके से किया है लेकिन उनकी अजम्पन्स करेक्ट हैं और अगर उन्होंने अपना आंसर अपडेट इंफॉर्मेशन के हिसाब से भी दिया हुआ है और वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो बच्चों को फुल मार्क्स

हमेशा क्या हमेशा ये पहली अटेम्प्ट को हमेशा कैंसिल कर दीजिए जबकि सीबीएसई जो है हम, हम, हमेशा जो है बच्चे फेवर में ही बात करती है कि बच्चे के मार्क्स जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको ज्यादा से ज्यादा मिले इसलिए पेपर चेकर्स को इंस्ट्रक्शन होती है कि अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन को दो बार अटेम्प्ट कर भी लिया है उसमें से जो बेस्ट आंसर है जो जिसमें ज्यादा मार्क्स है उसमें से मार्क्स मिले लेकिन मैं पर्सनल एडवाइस जरूर करूंगा कि अगर आपने दो बार किसी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो जो आपके हिसाब से गलत है उसको काटना ना बोलें और इन चीजों को आप ग्रांटर लेके मत चले कम्युनिटी इफेक्ट नहीं होता, होता, होता है कोई एंट्री वहां गड़बड़ कर दी तो लॉस गलत तो तो निकलेगा उसके बाद आपके कैपिटल बैलेंस गलत निकलेंगे उसके बाद आपके बैलेंस में लाइबी गड़बड़ हो जाएगी और बैलेंस मैच नहीं करेगी तो एक एरर के मार्क्स जो है वो एक ही जगह कटेंगे लेकिन उसकी वजह से आपका कैपिटल अकाउंट गड़बड़ हो जाता है नहीं मिलता या बैलेंस नहीं मिलती है उनके जो मार्क्स जो बनते हैं वो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एक एरर का आपको एक ही जगह आपको पेनालाइज किया जाएगा बार बार उसको पेनालाइज नहीं किया जाएगा और अगर आपका आंसर बिल्कुल ठीक है उसमें कहीं गलती नहीं है तो सीबीएसई जो है पेपर चेकर को इंस्ट्रक्शन देती है कि जीरो से लेकर एटी तक का जो भी उनको स्केल यूज करना पड़े जो भी उनको मार्क्स देने पड़े बच्चों को बिल्कुल खुले मदद से देने चाहिए अगर उनको पूरा डिजर्व करते हैं उनको फुल मार्क्स मिल जाने चाहिए इसलिए आप भी बेफिक्र रहिए अगर आपका पेपर अगर बिल्कुल ठीक ठाक है आपके आंसर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलने हैं तो आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं ये जितनी मैंने आपको आज टिप्स बताई हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स से रिलेटेड ये प्रेजेंटेशन स्किल जो है आपको कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में है एडिशन करेंगी और ये जो गलती है जो होने के चांसेस होते हैं जो हमने इतने सालों से पेपर चेकिंग करते समय ऑब्जर्व की है इन गलतियों से आप सबक लेंगे और आप अपने पेपर को जो है बिल्कुल ठीक बनाएंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो